तो गाइस यार, अगर आप ट्रक सीखना चाहते हैं तो कोई भी काम अगर हम सीखते हैं या कोई भी काम हम करने जाते हैं तो क्या है कि सबसे पहले उस काम के बारे में हमें पूरी रिसर्च यानी कि पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट इस गाड़ी पे बैठ जाओगे आकर के, तो आपको तो मालूम ही नहीं है कि कहाँ पे कौन सा गियर लगेगा, कैसे क्लच दबाया जाता है, कैसे ब्रेक लगाया जाता है। तो आप अपने घर पे बैठे बैठे वीडियो के माध्यम से आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो। जैसे कि आप समझ सकते हो कि मैंने एक YouTube चैनल खोला है, और अगर मैं YouTube के बारे में पूरी रिसर्च ना करता तो ये चैनल चलता नहीं। लेकिन मैंने पूरी रिसर्च करी YouTube के बारे में। YouTube चैनल चलाने के लिए मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैंने अपने आप सीखा खुद। इसके बारे में YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिल जाती हैं, और उन्हें देख देख करके मैंने चैनल कैसे चलाया जाता है पूरा सीखा है, और अभी तक सही सलामत चल रहा है। वैसे ही अगर आप गाड़ी सीखना चाहते हैं तो गाड़ी के बारे में पूरी रिसर्च पूरी जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद में आप गाड़ी पर बैठें और फिर गाड़ी चलाने सीखें। और कई बार क्या होता है कि जब भी नए ड्राइवर गाड़ी को चलाते हैं फिर वो कहते हैं कि भाई हमसे स्टीयरिंग नहीं संभलता, हमारी गाड़ी जो है दाएँ बाएँ भागती रहती है, या मैं क्लच छोड़ता हूँ तो मेरी गाड़ी बंद हो जाती है। तो इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं। आप मेरा चैनल जब खोलोगे तो उस चैनल के अंदर आपको कई सारी वीडियो, आप टाइटल देख करके थंबनेल देख करके समझ जाओगे कि कौन सी वीडियो किस चीज़ के बारे में है। तो सबसे पहली बात कि स्टीयरिंग जो है, कई बार ऐसा होता है जब हम स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो हम एकदम से दाएँ काटते हैं, और जब गाड़ी दाएँ भागती है तो हम एकदम से बाएँ काट देते हैं, उससे एकदम से गाड़ी बाएँ को भाग जाती है, हमारी गाड़ी जो है वो सीधी नहीं चल पाती है। जब गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है तो गाड़ी फिर स्टीयरिंग जो है सिर्फ इशारे में चलता है। और भी इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप जब भी गाड़ी चलाएं, मान लीजिए आप ट्रेन ड्राइवर बन गए, बिल्कुल ट्रेंड हो गए, उसके बाद में कई बार ड्राइवर क्या गलतियाँ करते हैं कि वो आगे तो देखते हैं लेकिन हमें क्या चीज़ देखनी है खास करके, कि अगर आप आगे गाड़ी चला रहे हैं तो आगे से जो गाड़ी आ रही है उसको भी हमारी गाड़ी दिख रही है, और जो हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ी है वो भी हमारी गाड़ी को देख रहा है, लेकिन हमें क्या चीज़ देखनी है। हमारी निगाह जो है वो करीब 75 से 80% रोड के दाएं और बाएं रहनी चाहिए, यानी कि जब हम आगे देखते हैं तो दाएं को भी देखें और बाएं को भी देखें। सबसे बड़ा खतरा जो होता है लेफ्ट साइड राइट साइड को, सबसे बड़ा खतरा जो है वो हमें अचानक से निकलने वाले लोग, अचानक से निकलने वाली गाड़ी, अचानक से निकलने वाली मोटरसाइकिल, कोई भी वाहन अचानक से जब रोड पे निकल पड़ता है सबसे बड़ा खतरा हमें उसी से होता है। बाकी जो गाड़ी सामने से हमारे आ रही है वो हमें उससे भी कोई खतरा नहीं है, अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो वो हमें बचा के निकलेगा। पीछे जो गाड़ी चल रही है वो गाड़ी भी हमारी गाड़ी को देख रही है, हम नहीं बचाएंगे वो हमें बचा लेगा, लेकिन जो अचानक से निकल रहा है ना वो हमें दिखाई दे रहा है और ना हम उसे दिखाई दे रहे हैं। तो ज़्यादातर एक्सीडेंट जो इसी तरीके से हो जाते हैं, नए ड्राइवर क्या करते हैं वो रोड पे देखते हैं और धड़ाधड़ गाड़ी चलाते हुए ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, और कभी भी गाड़ी चलाएं अगर रोड पे आप, तो दाएं और बाएं ज़्यादा निगाह रखें, रोड पे कम रखें। रोड पे चलने वाली गाड़ी आपको खुद बचाएगी, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं इतने दिन था कहाँ यार, तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और क्रिसमस का टाइम था आपको मालूम है, तो मैं 4-5 दिन से अपने घर पे बहुत ज़्यादा बिजी था, इसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। कई लोगों ने मुझे कमेंट किए कि भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही है, कहाँ रह गए आप, कहाँ हो। तो मैं बता दूँ कि मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और क्रिसमस के उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इस चक्कर से मैंने वीडियो नहीं डाल पाई। और मेरी तरफ से आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और नए साल की भी शुभकामनाएं मैं एडवांस में दे देता हूं सभी को। और जो जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं, मुझे बराबर कमेंट करते हैं, उन सभी को भी मैं क्रिसमस की और नए साल की शुभकामनाएं पहले से दे देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मंगलमय हो। और कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे आप बताइए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।